हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि साइंस सब्जेक्ट पढ़ना क्यों ज़रूरी है और साइंस क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक्स क्या होता है और मैथमेटिक्स पढ़ना ज़रूरी क्यों है। ठीक, तो मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जो किसी भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज को जनरली वर्ड्स और सेंटेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस ना करके उसको क्वांटिटी या नंबर्स या इक्वेशन या किसी ज्योमेट्रिकल फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है उस इंफॉर्मेशन को, उस सब्जेक्ट को हम मैथमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो साइंस ऑफ क्वांटिटी है। तो अलग अलग टाइप से मैथमेटिक्स को डिफाइन किया जा सकता है और अलग अलग मैथमेटिशियन ने मैथमेटिक्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। ठीक है, इसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। तो किसी ने मैथमेटिक्स को क्वीन ऑफ साइंस कहा है, किसी ने उस मैथमेटिक्स को मदर ऑफ ऑल साइंसेस बताया, तो किसी ने मैथमेटिक्स को कहा है कि वो सर्वेंट ऑफ साइंस है। ठीक है, किसी ने कहा है कि मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है जिसकी जैसी कोई कभी कोई लैंग्वेज ही नहीं हुई चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए। तो हर किसी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नॉलेज के हिसाब से उसको डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स जो है प्योरली वो सब्जेक्ट है या वो ब्रांच है जो नंबर्स से और किसी भी टाइप के सिंबल से, इक्वेशन से या फिर ज्योमेट्रिकल फिगर्स से डील करता है सब्जेक्ट, उसको हम मैथमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो यूज है वो डिफरेंट ब्रांचेस में उसका यूज है। जैसे कि साइंस में उसका यूज होता है मैथमेटिक्स का। ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड में यूज होता है और मेडिकल फील्ड में उसका यूज है। ठीक है, और आप और सब्जेक्ट देखोगे तो सोशल साइंसेज में उसका यूज है, और बात करें तो अकाउंट्स में है, इकोनॉमिक्स में है, और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां पे उसका यूज है। ठीक, तो मैथमेटिक्स को फिर सब डिवाइड किया गया है तीन कैटेगरी में। ठीक है, अब जिसमें हम पहले उसमें अगर पहला सब कैटेगरी देखें उसकी, तो वो वही अर्थमैटिक। ठीक है, तो अर्थमैटिक में बेसिकली हम नंबर से डील करते हैं और उसके ऊपर जो प्राइमरी ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये सब चीजें उसमें हम देखते हैं। ठीक, दूसरा इसका जो ब्रांच है वो हो गया आपका एल्जेब्रा का। यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हमें दिखती हैं वो सिंबल्स की फॉर्म में या इक्वेशंस की फॉर्म में दिखती हैं। यहाँ पे हम फॉर्मुलेस का यूज करते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं फॉर्मुलेस की फॉर्म में जिनका हम यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर इसका जो तीसरा सब ब्रांच है वो है ज्योमेट्री का। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स हो गए या शेप्स हो गए, उनसे डील करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं और उस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट फिगर्स हो गए, लाइंस हो गई, उनके ऊपर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ठीक है, तो वो हमारा टॉपिक आता है ज्योमेट्री में। ठीक, मेन जो बात है वो है कि हमें मैथमेटिक्स क्यों पढ़नी चाहिए। तो मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए बहुत सारे कारण है। ठीक है, पहला कारण तो ये हो गया कि हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो जैसे हमें डेली शॉपिंग करनी है, घर का कोई ग्रॉसरी खरीदना है या कुछ भी खरीदना है, तो उसके लिए भी हमें पैसों का लेन देन करना पड़ता है। तो वो भी तभी होगा जब हमें बेसिक मैथमेटिक्स आती होगी। ठीक है, और मैथमेटिक्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि हमारी नीड किस टाइप की है। ठीक, तो अगर हमें सिर्फ अपने जरूरी काम पूरे करने होंगे तो उसके लिए हमें बेसिक मैथमेटिक्स ही काफी है हमारे लिए। वरना अगर हमें स्कूल लेवल पे आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको थोड़े और लेवल, अच्छे लेवल की मैथमेटिक्स जानने की जरूरत है। आप कॉलेज लेवल पे पढ़ रहे हैं तो और ज्यादा
कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी मैथमेटिक्स की। वर्किंग प्रोफेशनल है तब भी उस हिसाब से उसके मैथमेटिक्स की आपको जरूरत होगी। और आप अगर कोर मैथमेटिक्स ब्रांच में ही कहीं पे काम कर रहे हैं एज अ प्रोफेशन आप वहां पर हैं, तो आपको और ज्यादा नॉलेज चाहिए होगा मैथमेटिक्स का, वहां पे आपके साथ कॉम्प्लेक्सिटी मैथमेटिक्स की और ज्यादा होंगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, साथ में जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से समझने में भी ये हमारी हेल्प करवाता है, इसकी हम बात कर चुके हैं वैसे, जैसे साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, या अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बतेरे जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का यूज होता है। ठीक है, और इसको वैसे भी मदर ऑफ ऑल साइंसेस भी कहा गया है, तो हर साइंस में लगभग मैथमेटिक्स का यूज होता ही है। ठीक है, तो एक ये यूज है, उसके बाद ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं पहले ठीक से, ठीक है, फिर उसके बाद हम चीजों को, उसमें जो भी चीजें हमारे पास होती हैं उनको अच्छे से एनालाइज करने के बाद हम इंफॉर्मेशन को स्टेप वाइज अरेंज करते हैं, उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं, तो इससे हमारी क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती हैं। तो हम बाद में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जहां भी जाएंगे, जिस भी टाइप के सिचुएशंस होंगी, तो हम उनको लॉजिकली देख के, एनालाइज करके, स्टेप वाइज उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैथमेटिक्स का यूज जितने भी बिजनेसेस हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, हर जगह हर फील्ड में मैथमेटिक्स का यूज होता है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां पे मतलब मैथमेटिक्स का यूज नहीं होता है। तो मैथमेटिक्स का यूज लगभग हर जगह है, तो आप इससे बच नहीं सकते, तो भलाई इसी में है कि हम इसको पहले से ही अच्छे से समझें, सीखें, ताकि हम आगे जाके हमें प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो ये था मैथमेटिक्स और क्यों मैथमेटिक्स पढ़ना ज़रूरी है। आगे आने वाले वीडियोस में हम अब बात करेंगे साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे और मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया होगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो कीप सपोर्टिंग।